ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के टेलीविजन इतिहास में बजट की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप, और जब इंडिया न्यूज हरियाणा ये कहता है कि बजट की सबसे बड़ी कवरेज, तो वाकई वो सबसे बड़ी कवरेज होती है। हमने दिल्ली और चंडीगढ़ में खास तैयारियां की हैं। एक बहुत ही खास सम्मानित वरिष्ठ पैनल हमारे साथ दोनों जगह मौजूद है, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त हमारे चार संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ हैं, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और सिरसा। वहां क्या स्थिति है और लोगों की क्या उम्मीदें, हम उनके पास जाएंगे और जानेंगे। लेकिन दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ सुमन दहिया जी हैं। इससे पहले कि हम रमन मलिक साहब से एक मुकम्मल जवाब लें कि साहब आज कैसा बजट आप लोग पेश करने वाले हैं, सुमन जी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हमने देखा, इसका जिक्र भी किया कि अखबारों में लगातार यह छपता रहा कि यह बलात्कार की घटना, महिला आयोग यहां पहुंचा, यहां सुविधाओं की कमी, यहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। आज आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, बजट से लेकर अधिकारों तक कुछ बदलता दिखाई देगा? राजीव जी, जहाँ तक सबसे पहली बहुत ही अच्छी बात है ये, आज इंडिया न्यूज़ ने जो शुरुआत आज की कि महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम पहलू रखते हुए हमारी बात रखने का हमें मौका मिला, तो सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि 50% जो है बराबर की हिस्सेदारी महिलाओं की है। जैसे पुरुष है तो समाज में आधे हिस्से की हिस्सेदारी महिलाओं की है, तो क्यों ये पहलू जो आधा हिस्सा है हमारे समाज का ये पीछे रह जाता है, और क्यों आज ये संघर्ष हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक बात है कि आज महिलाएं जो है अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए, सुरक्षा को पाने के लिए आज एक ये लड़ाई लड़ रही हैं। तो महिला आयोग मैं मानती हूँ कि एक कमीशन जो गठित किया गया है, कमीशन गठित करने का मकसद ही यही है कि हम महिलाओं को जो है उनका उचित सुरक्षा और न्याय दिला पाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा की बातें हुई हैं, आप देखिए निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उस समय भी बहुत बजट दिया गया था, जो हमारी रिपोर्ट बनी थी उसमें कहा था कि बजट बनाए गए थे सुरक्षा को लेकर, सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, बसों में एक एक मार्शल्स लगाए जाएंगे, इस तरीके के एक बजट बहुत बड़ी राशि जो है दिखाई गई थी महिला सुरक्षा के नाम पर, परंतु वहाँ पर उसका इफेक्ट इतना दिखाई नहीं ना वो कहीं लग पाई, इसी वजह से आज वो दोबारा से निर्भया कांड हमें रोहतक में भी देखने को मिला, उसके बाद जींद जैसे जगह पर भी हमारा ऐसा मामला आया जहाँ 6-6 लड़कों ने रेप किया एक लड़की का 8 घंटे लगातार। तो इन सब हादसों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा से संबंधित हमें कदम उठाने पड़ेंगे, और ख़ास तौर से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बजट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आज महिला आयोग की तरफ निगाहें तो होती हैं कि महिला आयोग फील्ड में है आज के दिन, लेकिन उसके लिए एक बजट की ज़रूरत है, जहाँ पर हम लोग, जहाँ पर हमारी ज़रूरत है वो तो हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, आयोग अपनी दे रहा है, लेकिन आप इफेक्टिवली पूरी सोसाइटी को, पूरे आपको हरियाणा को कवर करना है, उसके लिए एक बजट की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आयोग का बजट इस लेवल पर नहीं है आज की डेट में, कि जिस वजह से हम जो आज के सामाजिक ढांचा है उसको गति देने के लिए जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें आप गति की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर दफ्तर नहीं है, स्टाफ नहीं है, गाड़ियां नहीं है, मूलभूत सुविधाएं आपके पास नहीं, हम तो उसी पर सवाल उठा रहे हैं। राजीव, गति तो तब आएगी जब महिला आयोग को सुविधाएं मिले कम से कम। राजीव जी, मैं एक बात कहूंगी कि आज आयोग में हम बैठे हैं, हम अपनी ये कहेंगे कि हमें ऐसी सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं, आज आयोग की हम एज ए वाइस चेयरपर्सन, हमें तो आप सड़क पे किनारे अगर कहेंगे दरबार लगाए, हम तो वो भी कर रहे हैं, वो बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि इतना बजट जरूर होना चाहिए कि जो हम चाहते हैं कि गांव की एक एक महिलाओं तक हम पहुंच पाए, एक एक महिला को न्याय दिला पाए, सिर्फ ये बैठ जाने से कि ऑफिस में बैठने से ही समाधान नहीं होगा। अब जब तक हमारा पूरा तंत्र जो है, सरकारी ऑफिसर्स हैं, हम जो बैठे हैं, आयोग गठित किए गए हैं, इन आयोग का गठन करने का मकसद जो है, हमारी ड्यूटीज जो है वो तभी अवेल समझते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएंगे जब हम फील्ड में जाएंगे, एक एक महिला को, जब तक उसकी समस्या, एक एक महिला की समस्या हम तक नहीं पहुंच पाएगी तब तक हम नहीं मान। यानी महिला आयोग भी बड़ी उम्मीद से आज वित्त मंत्री की तरफ देख रहा है कि आप कम से कम कुछ न कुछ अच्छा करें। दो राय नहीं है, और महिला आयोग को बहुत जरूरत है, क्योंकि 50% जो है, जिस तरीके से मैं कहूँ कि आज महिलाएं हमारे समाज का अहम हिस्सा है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरफ जो है पूरा ध्यान दिया जाए। लेकिन एजुकेशन सेक्टर की उम्मीदें क्या है, मशहूर शिक्षाविद कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णकांत जी, क्या उम्मीदें करके चल रहे हैं आप,
जिस देश या समाज की नींव मजबूत नहीं होती, नींव शिक्षा है, वो देश तरक्की नहीं करता, अपने सपनों को पूरा नहीं करता, हासिल नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, पिछले 50-60 सालों में हमने जो राजनीति देखी है, जो बजट देखे हैं, उसमें शिक्षा पर ही कम खर्च होते हुए देखा है। ये रवायत आज टूटेगी, खत्म होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, ये जो रवायत है ये निश्चित रूप से टूटनी चाहिए। किसी भी राज्य और देश की यदि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का कोई पैमाना है तो वो शिक्षा है और ज्ञान है। और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आप तभी दे सकते हैं जब शिक्षा गुणवत्ता परक हो। तो निश्चित रूप से आज हमारे जो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो आज बजट पेश करेंगे, उनको निश्चित रूप से गुणवत्ता परक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए बजट एलोकेट करना चाहिए। आज देश में स्थिति ये है कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से बच्चों को डिग्रीज तो दे रहे हैं जी, लेकिन उनको हम नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो हुनर बच्चों में होना चाहिए वो हुनर बच्चों में नहीं है। जब वो मार्केट में जाते हैं नौकरियां पाने के लिए तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक। तो जो हमारी उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, वो ये है कि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए उनको बजट का अलग से प्रावधान करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, जैसे मैं पिछले के कुछ रिपोर्ट्स और सर्वेज पढ़ रहा था जी, मेवात की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक भी सरकारी एजुकेशन कॉलेज नहीं है। ठीक। हम मेवात के उत्थान की बात करते हैं, वहाँ की महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, ओवरऑल उस एरिया के उत्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, इस बजट में कुछ आदर्श विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात भी होनी चाहिए। ठीक। एक आप हमारे राज्य को देखें तो इसमें कहीं भी प्राकृतिक आपदाओं को कैसे निपटारा किया जाए जी, उसके लिए कैसे एक स्किल्ड मैन पावर तैयार की जाए, उसके लिए भी यदि इस बजट में एक विश्वविद्यालय का प्रावधान किया जाए तो वो निश्चित रूप से राज्य के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए कारगर सिद्ध होगा। लेकिन कृष्णकांत जी, आपने भी खुद महसूस किया होगा कि आपकी जो बातचीत है, आपका जो नज़रिया है, उसमें चाहिए बहुत सारा है। अब ये चाहिए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू कितना पूरा करते हैं आज, ये हम देखेंगे। सिर्फ शिक्षा यानी एजुकेशन सेक्टर को ही नहीं चाहिए, उद्योग, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत सारा कुछ चाहिए, और वो तब चाहिए जबकि हमारा एक अच्छा इतिहास रहा है, हमने कुछ शहरों को डेवलप किया था जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब थे, लेकिन आज वो बदहाल हैं, अपनी बदहाली पर वो आंसू बहा रहे हैं। हमारे साथ जी, मैंने बात की स्किल की, जब हम स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस करेंगे अपने शिक्षण संस्थानों में तो निश्चित रूप से वो उद्योगों के लिए बेहतर होगा और दोनों में एक सामंजस्य बन पाएगा। हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता जी हैं, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, मीडिया सेल के। नरेंद्र गुप्ता जी, आप लोग क्या उम्मीदें करके चल रहे हैं पिछले 10 सालों से लेकर अब तक? बहुत सारी हमने बातें की, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहिए को व्यापक न बना के क्या 3-4-5 चीज़ें हो जाएं जो कम से कम पहले बजट में देखने को मिलें, जिससे हम ये कहें कि नहीं, सरकार की नीयत अच्छी है, मंशा अच्छी है, एक आधार रखने की कोशिश की गई है। देश में फरीदाबाद, हरियाणा का जो एक शहर, इंडस्ट्रियल शहर फरीदाबाद था, उसको मैनचेस्टर कॉल बोला जाता था। पिछले 15 सालों में सरकार की कार्यप्रणाली से वो बिल्कुल ऐसे कगार पर पहुँच गया है कि सारी जो मदर इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी है। और निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा पिछली सरकारों के बारे में 2-3 पॉइंट जरूर बताना चाहूँगा जी प्लीज। जो फरीदाबाद के उत्थान में, हरियाणा के इंडस्ट्री के उत्थान में विशेष हमें सहयोग देंगी, ईस्टर्न पेरिफेरल पिछले 12 साल पहले चालू हुआ था, क्योंकि लाइन लाइन की हमारे फरीदाबाद की नहीं। गुप्ता जी, आपकी बात कहीं खो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। हम थोड़ी देर से आपकी बात सुनना चाहते हैं। पहले जो महिला आयोग की उम्मीद है, जो हमारे किसानों की उम्मीद है, जो शिक्षा की उम्मीद है, हम जरा मलिक साहब से एक छोटा सा जवाब ले लें कि आज इतनी उम्मीदों का बोझ कैप्टन अभिमन्यु साहब कैसे उठाएंगे? पूरा प्रदेश मलिक साहब बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है आपकी तरफ, और आप जानते हैं जब उम्मीद पूरी नहीं होती है तो फिर वो आलोचना में तब्दील हो जाती है। आज आप इसका मौका नहीं देंगे। राजीव जी, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि क्योंकि हम इस समय सत्ता में हैं और सवाल ये होता है कि हर एक कोई सवाल सत्ता पक्ष की तरफ डालता है, तो अगर एक एक का जवाब देना चाहे और उसके बाद आप दूसरे विषय पे जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी सारी बम्बारमेंट आएगी जी, तो आप आधे जवाब इधर उधर चले जाते। आपके सुझाव का एकदम स्वागत है और हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। देखिए,
आप बोलते हैं कि जी सबसे पहले आपने शुरू करा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने से पहले एक और स्टेटमेंट मोदी साहब की थी और इस सरकार की थी कि सबका साथ सबका विकास, वो अच्छे दिन से पहले स्टेटमेंट तो उसको ना भूलिए। इस प्रदेश के अंदर, अगर मैं प्रदेश की, देश की बात नहीं करते, प्रदेश की बात करते हैं इस समय, प्रदेश की अगर बात करें तो जिस हालत में है, बहुत कुछ कैप्टन साहब ने बोला और मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन जिस हालत में ये प्रदेश है, इसको दो चीजें चाहिए। ये एक एक्सीडेंट वाली स्थिति है कि एक्सीडेंट हो गया है, आपको फर्स्ट एड भी देनी है और आपको को बहुत सारे इलाज भी करने हैं, और उसके लिए एक प्लान्ड अप्रोच चाहिए। उसके लिए आपको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं चाहिए, आपको लेपा पोती नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर नींव मजबूत दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी चरमरा गई है व्यवस्था और इतनी जो कल्चर है, वर्क कल्चर, उसको भी ध्वस्त कर दिया हुआ है पिछले 10 सालों। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जी अगर हम रख रखाव किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो भी हमने एसेट लिए, तो ऐसी क्या आवश्यकता हो जाती है कि 30-30% के करीब या 20% के करीब हमारे को बजट एलोकेशन उसके रखरखाव के लिए, एसेट्स के लिए बढ़ाने पड़े। ठीक। जो कि आप देखेंगे, अगर आप छोटी सी किसी भी आयोग में, किसी भी उसमें देखेंगे, किसी 5 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, 10 लाख रुपए का उसका मेंटेनेंस भर दिया हुआ है। सर मेंटेनेंस, फ्यूल की बात नहीं कर रहा, तो ये क्या है? ये पब्लिक का पैसा मिसयूज हो रहा है। कैप्टन साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उन्होंने गिनाया कि पावर प्लांट बने, यूनिवर्सिटीज बनी, उन्होंने गिनाया कृषि में ये करा। अगर ये सारा कुछ करा तो आप क्यों यहां से वहां चले गए? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आप बोलते हैं मैंने करा, कांग्रेस ने करा, ये करा। भाई साहब, पावर प्लांट बनते हैं जो 2-2 साल ठप बैठे, आप अपने कोल जनरेशन का, उसका पावर प्लांट के फ्यूल के लिए आपने अपने लिए चीजें नहीं संजोई, वहां आपकी मैनेजमेंट फॉल्ट आया, सामने देखा। आप बोलते हैं यूनिवर्सिटीज बनाई, बड़े अच्छी बात है यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन किसको बनाई? जो प्राइवेट कॉलेजेस थे बहुत सारे, उनको बोला कि आप जमीन बढ़ाइए और आपको यूनिवर्सिटी का दे देते हैं, वो हो गया। आप बोलते हैं मेडिकल में बहुत कुछ करा, अगर मेडिकल में इतना कुछ करा तो फिर क्यों पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को या चंडीगढ़ भागते हैं या आज गुड़गांव भागते हैं, और वो भी मेडिकल में पॉलिसी ये है कि पूरा हो नहीं पाता, गरीब आदमी जाए कहाँ? मैं अगर इन सारी चीजों को देखता हूं तो इस सरकार की सबसे बड़ी जो एक जिम्मेवारी बनती है, और मैं एक सिटीजन के तौर पर बोल रहा हूं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये इनके 3 मेन स्तंभ होने चाहिए इस बजट के, क्योंकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे किसानों के लिए, मेरे उन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका आधा समय क्या होता है, जितने भी नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे हैं, वहाँ से चंडीगढ़ या इधर उधर भागते हुए निकल जाता है। ठीक। वो बचना चाहिए। मैन आवर प्रोडक्टिविटी को हम नहीं भूलें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं हरियाणा वाले बहुत ज़्यादा। ऐसे ही एजुकेशन में, जैसे बोल रहे थे, एजुकेशन का स्तर जो है, आपने कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, लेकिन आपने जो जो पिछली सरकार ने या उससे पिछली सरकार ने एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करा है, जहां आज हमारे को पता लगता है कहीं पे मलिक साहब, वो बात तो हो गई, उन्होंने जो भी खिलवाड़ किया वो पहुंच गए उस स्थिति में, वो विपक्ष में चले गए। हम तो आज ये जानना चाह रहे हैं कि आज अच्छे दिनों का बजट आएगा कि नहीं आएगा। आपको वही चीज बता रहा हूँ कि इन बेसिस को देख के अगर ये सरकार, ये तीनों मेन जो स्तंभ है, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इसको इसके स्थान पे देना चाहिए, क्योंकि यही एक वो 3 मेन चाहिए। नहीं सर, अब देगी या नहीं देगी सवाल ये है। को यही लगता है कि इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा, और ये सबसे पहला इस एक्सीडेंट प्रोन जो प्रदेश बन गया है
उसके लिए जो मरहम पट्टी का सबसे पहला काम है वो यही है कि पहले तो इस बारी आप एक रोड मैप दीजिए कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, कैसे आप बढ़ाने वाले हैं, और साथ में ये राजू जी मैं ठीक है बस जयकांत जी आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने खास तैयारी की, सबसे बड़ी तैयारी की आज के बजट को आप तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली और चंडीगढ़ में हमने दोनों जगह अपने स्टूडियो तैयार किए और दोनों जगह से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा रोहित सावल हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से, और उनके साथ आप पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संपत सिंह मौजूद हैं। रोहित क्या राय निकलकर आ रही है संपत सिंह जी की, क्योंकि यहां मलिक साहब ये बता रहे हैं कि साहब कई स्तर पर काम करने की जरूरत है, स्थिति कुछ ऐसी है कि आप एक्सीडेंट्स देख चुके हैं प्रदेश में और रिलीफ चाहिए, लिहाजा चुनौती बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल राजीव, इस वक्त हम विधानसभा के ठीक बाहर बैठे हैं, कुछ ही देर बाद इसी विधानसभा में बजट रखा जाएगा, हरियाणा का बजट रखा जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु जो कि वित्त मंत्री हरियाणा के, वो बजट रखेंगे, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर संपत सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। बिल्कुल बजट पर आज हम राजीव बात करें, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है दिल्ली में और यहां चंडीगढ़ में भी, हम लगातार जो खास मेहमान है उनसे चर्चा करते रहेंगे। तो इस वक्त जिस तरह से गुड़गांव से हमारे साथ कैप्टन अजय यादव भी जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर संपत सिंह भी यहां पर मौजूद है, तो दो दो वित्त मंत्री हमारे साथ, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के मौजूद है, क्या राय निकल कर आ रही है बजट से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब क्या लगता है इस बार के बजट से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो अच्छे दिनों की बात बीजेपी ने कही थी, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि ये बजट अच्छे दिनों का बजट होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं स्वागत करूंगा अगर अच्छे दिनों का बजट होगा, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से इन्होंने सफेद पत्थर नंबर 1 और 2 जारी करके और हरियाणा प्रदेश को बदनाम करने का जो प्रयास किया है जी, उससे लगता है कि शायद ये जैसे सेंटर ने कोई कड़वी घूंट पिलाई थी, कभी हरियाणा में भी ये कड़वी घूंट ना पिला दे। वरना तो सबसे पहला काम होता है कोई भी पार्टी हो सत्ता में आती है, और विशेष के ये तो आपको पता है कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बनाया कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में 47 सीट लेकर सरकार बनाई है। तो पहले तो जो इनके की पॉइंट्स हैं उनको लागू करें, जैसे इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, मैं नहीं कहता रिपोर्ट लागू करें, लेकिन कम से कम 1.5 गुना दाम लागत का बोनस के रूप में स्टेट गवर्नमेंट दे दे, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो मेरा 100 खर्च हो रहा है तो मुझे 150 रुपए दे दे किसान को। दूसरी बात है कि पंजाब के समान वेतनमान की बात की थी, पंजाब के समान वेतनमान की हर आदमी हर कर्मचारी इंतजार करता है कि वेतनमान हम आज हमें वोट दे दो कल ही वेतनमान दे दे। लेकिन खजाना खाली दे दिया आपने, वेतनमान कहां से बढ़ाए? खजाना खाली दे दिया तो खट्टर साहब को यह भी मालूम होगा, अगर वित्त को थोड़ा बहुत देखते होंगे या कैप्टन अभिमन्यु का ध्यान हरियाणा खजाने की तरफ है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ है, हरियाणा खजाने से हरियाणा सरकार ने पिछले एक साल के अंदर अंदर भी जो साल बीता है इसके अंदर 3900 करोड़ और 3800 करोड़ रुपए का भी कर्जा लिया है। 3900 करोड़ तो 6 महीने में, 6.5 महीने हुड्डा साहब की सरकार ले गई थी, और इन्होंने 4.5 महीने में 7800 करोड़ का कर्जा अब तक, इसी 10 मार्च तक मेरा रिकॉर्ड है, आज का मुझे पता नहीं है, मैं शाम को बता दूंगा आज कितना कर्जा लिया है, 7800 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया। वो कहां से इन्होंने कर्जा ले लिया? ये जो 4.5 महीने की आमदनी थी, जो रेवेन्यू आया है जो टैक्स के रूप में, जो एक्साइज के रूप में, वो रेवेन्यू इनका कहां चला गया? खजाना खाली कभी नहीं होता, तिजोरी नहीं होती है, और बढ़िया फाइनेंशियल पोजिशन छोड़ के गए थे। आज ये कहे तो इनकी दूसरी बात है, इसी तरह से बुजुर्ग आदमी इंतजार कर रहे हैं, विधवाएं इंतजार कर रही है, निःशक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको 1000 की बजाय 2000 मिले, पेंशन मिले। इसी तरीके से आज बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि उनको 9000 रुपए महीना का मिले। सबसे पहले तो अपने ये की जो अनाउंसमेंट्स है जिनसे कि वोट मिले इन लोगों को, ये ना लागू करें। तो यानी आपका ये कहना है कि जो बेरोजगारों के साथ वायदा किया था, जो बुजुर्गों के साथ वायदा किया था, उन तमाम वायदों को पूरा करें, ये आप चाहते हैं इस बजट से? हम स्वागत करेंगे अगर ये करेंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा अगर आप पिछले बजट को देखते रहे, ये कहा गया अभी तमाम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब पिछले बजट में जो आपकी सरकार का पिछला बजट था उस बजट में कुछ नहीं था, उस बजट में ये कहा गया कि गोहाना रैली में जो घोषणाएं की गई वो तमाम घोषणाएं पूरी की जाएंगी, और कहीं ना कहीं वो चुनावी बजट था, उसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ रहा, और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि कड़वी दवाई भी देनी पड़ सकती है।
मैं ये अटकलें लगाने के लिए सारा तमाशा इन्होंने किया है। एक तरफ गुजरात में गए हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़ाई की, आइए कम ऑन टू हरियाणा, कम ऑन टू हरियाणा, इन्वेस्टमेंट करिए हरियाणा प्रदेश में आइए, और यहाँ हरियाणा प्रदेश में आते कहते हम जूते मारेंगे हरियाणा प्रदेश में आओ, हरियाणा प्रदेश के हालात खराब है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट का माहौल ही खराब कर दिया है। अदरवाइज फाइनेंशियल पोजिशन हरियाणा की नंबर वन पर छोड़ के गए थे। आप देखिए जीएसडीपी के मुकाबले हम बोरिंग देखते हैं, हमारी बोरिंग 73,000 करोड़ जरूर थी लेकिन हमने 23,320 करोड़ करीब शुरू करी थी, 3.5 गुना बोरिंग हुई है, लेकिन उससे 3 गुना बोरिंग, उससे पहले भी जो है 2.5 गुना बोरिंग जो है पहले 5 साल में हो चुकी, और ये जाके इतनी, और जीएसटी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 18%, और भारत सरकार संपत जी काफी निराश है, आधा पैसा वो पुराने तजुर्बों को याद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे केंद्र ने कड़वी दवा पिलाई थी प्रदेश भी कुछ उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, और इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है वो ये बता ही रहे थे। मलिक साहब टिप्पणी करना चाहते हैं, रोहित मलिक साहब जवाब देना चाहते हैं संपत जी की बात का, बस सुन लेते हैं कि क्या वाकई आज सरकार कड़वी दवा पिलाने जा रही है। मलिक साहब उसका संज्ञान ना हो या वो भूल गए हो, जाते हुए भूल गए हो कि आईएमएफ का कहना यह है जिस प्रकार से भारत चल पड़ा है, उम्मीद उनको ये है कि 2019 तक शायद जापान और जर्मनी की दोनों की जो जीडीपी है उसके बराबर ना पहुंच जाए। और अगर इस तरीके की बात आईएमएफ जैसी एक एजेंसी करती है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक ये इन्वेस्टमेंट के हालात बुरे हो गए हैं, आप वहां जाते हैं गुजरात बोलते हैं कि हरियाणा आइए, हरियाणा में आप ये करते हैं, संपत सिंह जी को एक 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 फोबिया सा हुआ हुआ है और उसके कारण वो थोड़े से हिले हुए हैं। पॉइंट इतना, लेकिन मलिक साहब ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री ने गुजरात में तारीफ की, लेकिन वही तारीफ यहाँ पलट गई, इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, वहां तो वो भी मंच पर कसीदे पढ़ रहे थे। पॉइंट इतना सा है, आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे डेवलपमेंट के लिए, आप इंडस्ट्री को लेकर आएंगे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस है आप इसको और इंडस्ट्री को इकट्ठा नहीं कर सकते। इंडस्ट्री को आप सहूलियतें देंगे, इंडस्ट्री को लाएंगे, इंडस्ट्री आपके लिए एनर्जी सोर्स है, वो आपको दे रही है वो इम्पेटस ग्रोथ के लिए, लेकिन जो आपकी करंट स्टेट है उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से संभालेंगे। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन संपत जी की जो आपत्ति है, अगर एक मिनट मैं ये बोलता हूँ, संपत सिंह जी पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आईएनएलडी में थे, फिर कांग्रेस में गए, तब से कसीदे कांग्रेस के पढ़ रहे हैं। मैं उनसे इतना बोलूंगा कि अगर उनको इतना सारा ज्ञान है तो वो इस पूरे श्वेत पत्र एक और श्वेत पत्र दो को प्रॉपरली पढ़े। नहीं, वो तो झूठ का पुलिंदा करार दे चुके हैं, हमने चर्चाएं की है लगातार, वो ये कह चुके हैं कि झूठ का पुलिंदा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है। अगर ये चाहे बस नहीं आ रहे आपके पास, श्वेत पत्र एक श्वेत पत्र दो पढ़ना चाहिए, उसमें तमाम बातें लिखी है, और उनका कहना कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट का माहौल बने, इस तरह का बजट हम पेश करने वाले हैं। बस आ रहे हैं नरेंद्र जी, आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का अगर आप माहौल पैदा करेंगे इन्वेस्टमेंट का लिए तो मुझे खुशी होगी। आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि बस अजय जी आ रहे हैं सर आपके पास, आ रहे हैं बस, और बीइंग एन मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ हरियाणा, मेरी ये चाहत रहेगी हरियाणा आगे बढ़े, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, माहौल तो रूडा सरकार ने पैदा किया था, फोर लेनिंग रोड आपको दे दी गई थी, मेट्रो आपको दे दी गई थी, इसी तरीके से आपके और ब्रिज बढ़ा दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी आपको, 5 मेडिकल कॉलेज दे दिए थे आपके, अपने फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज था, गुड़गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज दे दिया गया था, इसी तरीके से सोनीपत में मेडिकल कॉलेज दे दिया गया था, करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज दे दिया गया था, निफ्टम आपके राय में दे दी गई थी, अलग अलग इंस्टीट्यूट दिए गए थे, डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको दी गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दी गई थी, बाकायदा एक माहौल बना और इतनी इंडस्ट्रीज आई तभी जाके ग्रोथ हुआ था। आप देखिए सर्विस सेक्टर ने जितना ग्रोथ किया हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप 56% तक ग्रोथ ले आए थे, 56% जीएसडीपी का। जी राजीव, तो आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने किस तरह के तमाम आंकड़े रखे, क्या कहना है? ठीक है, बस मलिक साहब आ रहे, एक छोटा सा कमेंट, चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ पंचकूला के अंदर एजुकेशन पूल था और वहाँ का बेनिफिट आईटीईएस सर्विसेज को मिला, गुड़गांव दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी के कारण मिला, इन दो जगह को छोड़ के आप बताइए आपने कौन सी और जगह ट्रायल करी। ठीक है कैप्टन अजय यादव, कैप्टन अजय यादव बताएंगे, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कैप्टन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो सही है और कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र को नकार चुकी है, दोनों ही श्वेत पत्रों को,
इसके साथ ही साथ ये भी सही है कि मुख्यमंत्री गुजरात में एक बात रखते हैं, एक तरह से प्रदेश की नाक ऊंची करते हैं, वो कहते हैं कि हमने काफी डेवलपमेंट किया, लेकिन जब वो प्रदेश में आते हैं तब तस्वीर दूसरी दिखाई देती है। ऐसा क्यों कैप्टन साहब, ये विरोधाभास क्यों? देखिए, मैं संपत सिंह जी की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश की जो इन्होंने जिस तरह पिक्चर दिखाई है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ जंगल राज है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अभी ये इनके मलिक साहब कह रहे थे कि सारे जो हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनवा दी, आप बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? भगत फूल सिंह जो खानपुर में बनी यूनिवर्सिटी, क्या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? क्या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी हमारे मीरपुर के अंदर, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? क्या जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में यूनिवर्सिटी बनवाई? राजीव गांधी जो है एजुकेशन हमने हब बना सेंटर बना आपका राई के अंदर, उसी प्रकार से डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने बनवाई। तो इस प्रकार से गुमराह करने की बात ना करें। और मेडिकल कॉलेज हमने कई हमने बनाए, मेवात ने बनाया, कल्पना कॉलेज के नाम से हमने करनाल ने बनाया, गुड़गांव में हमने बनाया। और दूसरा जो है, हमने कभी झूठे वायदे नहीं किए। इन्होंने सर्विस टैक्स लगा दिया जो है कि कितना भाई जो है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें जो है हर चीज महंगी हो रही है जी। आप देखेंगे अगर रेस्टोरेंट में गरीब आदमी खाना खाने जाएगा, वहां ढाबे पे खाना खाने जाएगा तो सर्विस टैक्स लगेगा। और टोल टैक्स इन्होंने लगा दिए, आपने देखा होगा कि कई जगह इन्होंने टोल टैक्स लगा दिए। इनकी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो के बारे में सुमन दहिया जी कह चुकी है क्या हालत है। अभी भी 303 से जो है ये लोग जो है सलामी करते हैं, उसके बारे में इनको सोचना चाहिए कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्हीकल्स को हम इम्प्रूव करें और वेपन्स हम अच्छे ला के दें, ताकि जो हमारी जो कौन आप देखते हैं अभी जो इन्होंने गौ तस्करी के ऊपर बिल लेके आए हैं, ये जो हमारा एरिया है यहाँ से बहुत सारी गाय हमारी जाती हैं जी। और हालत ये है कि इसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वेपन्स है व्हीकल्स इतनी पुरानी है, तो इनको लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जितने भी हमारी हमारे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनमें सारा गंदा पानी जो है वो जा रहा है अपना खेतों में, और वहाँ बीमारियां हो रही है, स्किन की बीमारियां हो रही है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो है उनको इनको लगाने चाहिए। ठीक है कैप्टन सर, ठीक है, हम और ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए आएंगे आपके पास, एक एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि साहब हमने मध्य प्रदेश के बजट में देखा, गोवा के बजट में देखा, हमने छत्तीसगढ़ के बजट में देखा, यहां तक कि हमने केंद्र के बजट में देखा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की छाप दिखाई देती है। क्या आज हरियाणा के बजट में भी, जो बीजेपी के लिए हरियाणा एक नई प्रयोगशाला के तौर पर उभरा है, क्या आज मेक इन इंडिया की छाया इस बजट पर भी रहती है? हम एक छोटे से ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा रोहित का शुक्रिया अदा करेंगे इस बात के लिए कि रोहित वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, विधानसभा का जो व्यू आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, तिरंगा वहां लहरा रहा है और अब से थोड़ी देर में प्रदेश का आर्थिक खाका वहां खींचा जाएगा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वहां पहुंचेंगे और पहला बजट पेश करेंगे। हम लगातार आपके पास आएंगे, कुछ और भी खास मेहमान वहां से जुड़ेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं दिल्ली और चंडीगढ़ स्टूडियो से। ये लाइव कवरेज लगातार जारी है।